चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मान लेते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट थे क्लास में वो 100 थे। अगर 100 थे तो इसमें से जो सफल हुए यानी कि पास हुए वो कितने थे? इसमें आपके 60% एग्जामिनर दे रहेगा, तो इसका 60% निकालूंगा यानी 60% निकालूंगा, तो ये 60 छात्र में सफल होंगे। अगर 100 में से 60 सफल हुए तो असफल कितने होंगे यानी कि फेल कितने होंगे? वो 40 हुए होंगे। बट एग्जामिनर कह रहा है जो असफल हुए हैं वो टोटल कितने हैं? 240। तो यानी कि 40 नहीं है बेटा, ये 240 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरा 240 बन जाए? इसे अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा 240 बन जाएगा। अब ये पता कैसे चला कि ये 6 से मल्टीप्लाई करना है? मैंने इस वाले नंबर को इससे डिवाइड किया, जिससे आपने इसे मल्टीप्लाई किया उसी से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे यानी 600। और इसी से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 आएगा आपका, 360। ये वो स्टूडेंट होंगे जो पास होंगे, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 60% जो दे रखे हैं वो आपके क्या दे रखे हैं? सफल स्टूडेंट दे रखे हैं। टोटल मेरे पास कितना है? 100% वाले स्टूडेंट थे। उस 100% स्टूडेंट थे उसमें से 60% माइनस किया तो 40% जो बचेंगे वो फेल वाले बचेंगे। और ये फेल वाले किसके बराबर होंगे? आपके इसकी 40% की वैल्यू किसके बराबर होगी? आपकी 240 के बराबर। तो ये 240 होना चाहिए। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 10% की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो बराबर हो जाएगी आपके 60 के बराबर में। तो सिंपल सी, मुझे क्या चाहिए? अब सफल होने वाले का परसेंटेज कितना? 60 है। तो आप इस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 60% बराबर होगा आपके कितने? 360 के बराबर। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।